हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम बेसिक लाइफ में अपने यूज होने वाले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे और फिजिक्स में यूज होने वाले कुछ थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत जगहों पर जुड़ी हुई होती हैं। बस हमको पता नहीं होता कि कैसे हम उसको कैसे फिजिक्स हमारे रियल लाइफ में इन्वॉल्व है या हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। इन सब बातों पे हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सबसे छोटा सा बेसिक टॉपिक, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब वो किसी भी लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए एंटर करता है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कैसे करें, मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट को कैसे लिखें कापी में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। यानी कि ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर लेवल्स में भी, बीएससी और एमएससी के लेवल्स पे जाकर के भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि वो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसका लिस्ट काउंट नहीं निकाल पाते। लिस्ट काउंट नहीं निकाल पाते तो उनको दिक्कत होती है कि मैं रीडिंग कैसे लिखूं। रीडिंग लिखते हैं, कई बार एरर्स आ जाती हैं, तो जो रीडिंग लिखनी चाहिए थी एक्चुअल में उसको नहीं लिखते, इसलिए गलतियाँ होती हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिस्ट काउंट से ही स्टार्ट किया है अपना टॉपिक। लिस्ट काउंट एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसा कि आप लोग मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि लिस्ट काउंट की डिफिनीशन लिखी हुई है। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई द एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम या मिनिमम हम एक्यूरेसी के साथ कितना मेजर कर पा रहे हैं, ये हमारा उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बताएगा। जैसा कि होता क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट के लिए हमको उसकी हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पता होती है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। जब हम किसी भी मेजरमेंट में बहुत कम मेजरमेंट की बात करते हैं, जैसे कि बहुत छोटी डिस्टेंस हमको मेजर करना हो, बहुत छोटी छोटे मास को मेजर करना हो, या फिर बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करना हो, तो हम कैसे मेजर करें, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो किस एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे किसी चीज़ में, इसमें एक क्वेश्चन बार बार लड़के पूछते हैं कि हम किस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम उस हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं जिसके द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने नोट में दिखा रखा है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है लड़कों को कि सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का ही लिस्ट काउंट क्यों दिया गया है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो एक इंस्ट्रूमेंट दे करके हमको एक बेसिक दे देता है, नॉर्मल आइडिया दे दिया जाता है कि ऐसे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकाल सकते हैं। इसलिए बुक में सारे नहीं दिए जाते, अगर बुक्स में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक सिंपल सा स्केल लेकर के बता दिया जाता है कि हम लोग इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर आउट करना चाहूँगा, तो मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास सिंपल स्केल होता है, अब सिंपल स्केल में आप देखते होंगे कि जो हमारा स्केल है वो सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड होती है। पहली चीज तो सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड है तो हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर के बीच में, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स बने होते हैं। तो हम लोग अब इस स्केल से अगर एक्यूरेटली मेजर करना चाहें तो हम लोग कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ये छोटा वाला जो डिवीजन है यानी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, इस स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर ही हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। इससे कम मेजर करना चाहें तो उसमें इरर्स आएंगे, उसको हम अप्रॉक्सीमेट मेजर करेंगे या अनुमान लगाएंगे कि ये इतना होगा, लेकिन ये एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि ये इतना ही होगा। हम एक्यूरेटली सिर्फ इतना ही बता पाएंगे जितना इसका लिस्ट काउंट होगा या जितना इस छोटे डिवीजन की वैल्यू है, यानी कि इसके एक छोटे डिवीजन की जो वैल्यू है यही हमारे इस स्केल की लिस्ट काउंट होगी। अब अलग अलग स्केल्स की अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकती है, अलग अलग स्केल के लिए डिवीजन्स होंगे, जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नॉर्मल, क्या कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख पाएंगे लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकालने के लिए हम लोग उसके एक यूनिट की वैल्यू पता करते हैं। अब एक यूनिट क्या होगी, एक यूनिट उस मेजरमेंट का जो भी यूनिट लिया गया है उसके किसी भी वैल्यू को 1 यूनिट मान सकते हैं।
अब वन यूनिट मानने का मतलब जैसे कि हम स्केल लिए हुए हैं, तो इस स्केल का ही हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर ले लें तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 यूनिट मान सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर की बजाय कोई चाहे कि हम इसको 2 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट मान ले तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लीजिए। लेकिन हाँ ये कंफर्म होना चाहिए कि कितने मेजरमेंट को या कितने क्वांटिटी को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। जब हम ये कंफर्म हो गए कि कितनी क्वांटिटी को 1 यूनिट मान रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 मान लिया, तो फिर हम ये पता करेंगे इस 2 यूनिट में, या सॉरी ये 1 यूनिट जो मैंने लिया 2 सेंटीमीटर को, इसमें कितने डिविजन्स हैं। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ले लें तो नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग करते क्या है कि 0 से लेकर के 1 तक के बीच की बात करते हैं, सिर्फ 0 से 1 के बीच की बात करेंगे। 0 से 1 के बीच में अगर हम निकाल लेंगे कितने डिविजन्स हैं तो हमको पता चल जाएगा कि उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसमें 0 से 1 के बीच में अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 डिविजन्स बने हुए हैं, यानी कि हमारा जो मेन स्केल है 1 यूनिट को मैंने माना 1 सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 10 से, तो हमको 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्केल का जो लिस्ट काउंट है, जो सिंपल स्केल होती है जो नॉर्मली हम लोग हर जगह यूज करते हैं, उसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, यानी इस स्केल से मिनिमम हम 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं। अब कोई भी डिस्टेंस हो या भी कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी लेंथ इससे कम हो या उसकी ब्रेथ इससे कम हो, तो इसको हम लोग इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते। अब इससे को मेजर करने के लिए हमको कोई एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका लिस्ट काउंट इससे भी कम हो। इससे भी कम होने का मतलब 0.1 के बजाय 0.01 हो जाए, 0.05 हो जाए, जैसे कि देख पा रहे हैं नीचे दूसरी स्केल मैंने यूज किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट को लें, 1 यूनिट के बीच में यहाँ 20 डिविजन्स बने हुए हैं। अब 20 डिविजन्स बने हुए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 1, ये भी स्केल सेंटीमीटर में ही कैलिब्रेटेड है, तो ये वहाँ पे 1 सेंटीमीटर को किस में डिवाइड कर दिया, 20 डिविजन्स में। 20 डिविजन्स में डिवाइड करने का मतलब अगर हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि हम लोग नीचे वाली स्केल से 0.05 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अब इससे कम यहाँ मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। इसका सिंपल सा जो फार्मूला है, मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फार्मूले के मदद से ही मैं निकाल रहा हूँ। खैर उनमें मैंने 1 यूनिट मान रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसी भी क्वांटिटी को हम 1 यूनिट मान सकते हैं, और उस क्वांटिटी जिस भी क्वांटिटी को हम 1 यूनिट मान रहे हैं उसमें कितने डिविजन्स बने हुए हैं अगर उसको पता कर लें तो हम लोग अल्पतमांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्पतमांक के 2 फार्मूले हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में है। एक फार्मूला और आता है जो जनरली बुक्स में लिखा होता है, मेन स्केल डिविजन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो मेन स्केल डिविजन्स डिविजन का मतलब यहाँ पे 1 यूनिट में कितने डिविजन्स, सॉरी मेन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू जो है उसी को हम लोग मेन स्केल डिविजन बोल देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स, उस 1 यूनिट में कितने डिविजन्स बने हुए हैं, ये भी बहुत सारे बुक्स में फार्मूला यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसके बाद मैं कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग जो लैब में यूज करते हैं। स्केल तो समझ में आ गई, स्केल तो बहुत आसान था। अब लोगों को लगता है कि स्केल के सिवा और किसका लिस्ट काउंट होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने ले रखा है वेटिंग मशीन। ये वेटिंग मशीन जनरली बहुत कई जगहों पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि लोग अपना वेट करने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं। लैब्स में अक्सर इस मशीन का यूज़ किया जाता है, छोटी वाली का। तो देखिए जो पहला मशीन मैंने ले रखा है इसमें क्या है, इस पहले तो ये जो स्केल है 10 किलोग्राम में कैलिब्रेटेड है, यानी कि इसके एक एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो किलोग्राम में होगी। हम देख पा रहे होंगे कि 0 से 10 के बीच में कितने डिविजन्स बने होंगे, यानी कि यहाँ से पहली बार 1 यूनिट जो होगा वो 10 kg के बराबर हो गया, 10 किलोग्राम। अब इस 10 किलोग्राम में कितने डिविजन्स बने हुए हैं, 10 किलोग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 10 डिविजन्स बने हुए, आप काउंट कर सकते हैं। तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यह आ जाएगा 1 किलोग्राम। यानी कि इस मशीन का जो लिस्ट काउंट है ये 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, या नीचे लिख रखा है मैंने 1 किलोग्राम होगा। इसका मतलब क्या है कि इस मशीन से हम लोग 1 किलोग्राम से कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, हम इससे मिनिमम 1 किलोग्राम मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका वेट इससे कम हो, 1 किलोग्राम से कम हो, या 200 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, 900 ग्राम हो, तो हम इसको इस मशीन से एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। हमको यहाँ पे एक दूसरी मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसका लिस्ट काउंट इससे कम हो। तो इस को अब दूसरे मशीन में हम लोग चलेंगे, छोटी वाली मशीन पे जिसमें का लिस्ट काउंट कम है, जैसे कि यहाँ बगल में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा क्या है, ये मशीन भी किलोग्राम में है, किलोग्राम में कैलिब्रेटेड है, लेकिन कुछ डिविजन्स इसमें ग्राम में भी बना रखे हैं।
अब ग्राम में बना रखे हैं का मतलब क्या है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 200 ग्राम के बीच में कुछ डिविजन्स बना रखे हैं। तो मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ 0 से 200 ग्राम को, यहाँ मैं 0 से 1 केजी को भी 1 यूनिट मान सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करके, जनरली मैंने बताया कि नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करने में मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 0 से 200 ग्राम्स को मैंने 1 यूनिट मान लिया। अब मैंने 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 200 ग्राम्स। 200 ग्राम को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बीच में तो 5 डिविजन्स बने हुए हैं, तो जनरली इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम्स। यानी कि यहाँ पे जनरली हम कह सकते हैं कि इस जो छोटी वाली मशीन है इसका लिस्ट कौन 40 ग्राम है, यानी कि इस मशीन से हम लोग 40 ग्राम तक की वैल्यूज मेजर कर सकते हैं। 40 ग्राम से कम वैल्यू की मेजरमेंट के लिए हम लोग इस मशीन का यूज नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। 40 ग्राम के मल्टीपल में कोई भी मास होगा उसको बहुत इजीली हम लोग और एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। 40 ग्राम को मल्टीपल में होगा तब, अगर मल्टीपल में नहीं है तो वहाँ पे हम लोग जैसे 250 ग्राम हमको मेजर करना हो तो 240 ग्राम तो हम एक्यूरेटली मेजर करेंगे, लेकिन 240 ग्राम से ये नीडल थोड़ा आगे जा रही होगी तो हम वहाँ नहीं बता पाएंगे कि ये 10 ग्राम ही है 20 ग्राम है, कितना आगे जा रहा है इसको एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिस भी लिस्ट काउंट की हम बात करेंगे या जिस भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट की बात करेंगे तो उस लिस्ट काउंट के मल्टीपल में एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग या एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी इस मशीन के बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो जैसे हम लोग लैब में बहुत सारा वोल्ट मीटर्स और मीटर्स देखते हैं, तो ये क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिकल, और क्लास 9 से लेकर के हायर लेवल्स में जहाँ भी रिसर्च तक चले जाएंगे तो हर जगह आपको प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल्स में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट नया मिलता रहेगा और हर एक इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करना होगा। मेजरमेंट करने के लिए लिस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट का आना जरूरी है, जिसका भी करेंगे तो हम नॉर्मली कैसे निकालेंगे। यहाँ मैंने अभी बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को रखा है जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 या बीएससी लेवल तक यूज किया जाता है, उसके ऊपर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर्स में जो डिविजन्स हैं सारे के सारे डिविजन्स वोल्टेज में, पहले वाले वोल्ट मीटर में का कैलिब्रेशन वोल्टेज में किया गया है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 वोल्ट्स के बराबर दे रखा है, तो मैं इसमें कि वही काम करूंगा, 1 यूनिट 10 वोल्ट्स के बराबर लिख लूंगा और फिर से इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ डिविजन से, जो कि यहाँ पे कितने हैं 10 है, यानी कि इस पहले वाले वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट होगा ये 1 वोल्ट आ जाएगा। अब अगर 1 वोल्ट हमारा लिस्ट काउंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम इस वोल्ट मीटर से 1 वोल्ट से मिनिमम वैल्यू या 1 वोल्ट से कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। अब इससे कम वैल्यू अगर हमको मेजर करना होगा, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें हमको कम मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में हम 1 वोल्ट वाला वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमको उससे कम वोल्टेज मेजर करना हो, जहाँ 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट का भी इफेक्ट आता हो, वहाँ अगर मेजरमेंट करना हो तो हम इस वोल्ट मीटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम दूसरे वाले वोल्ट मीटर को लेते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना है अब इसको पता करेंगे। अगर तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे वोल्टेज में दिया हुआ ये भी 2 वोल्ट जो है हमारा वो 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ से हम 0.2 वोल्ट मिनिमम मेजर कर पाएंगे। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल डिविजन की वैल्यू 0.2 वोल्ट है, जिससे कि हम लोग इससे मिनिमम मेजरमेंट 0.2 वोल्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर्स और भी टाइप के आते हैं, मिली वोल्ट मीटर्स आते हैं, एसी मिली वोल्ट मीटर्स आते हैं। तो मिली वोल्ट मीटर्स में अगर कहीं पे सब वोल्ट का वेरिएशन मिली वोल्ट्स में हो रहा हो तो हम लोग मिली वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। एसी मिली वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एसी मिली वोल्ट मीटर का यूज़ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करेंगे। बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल तक यही 2 वोल्ट मीटर्स यूज होते हैं, इसमें और भी हैं कुछ जिसमें कि जिसका लिस्ट काउंट 0.5 वोल्ट हो सकता है, 0.1 वोल्ट हो सकता है, ऐसे भी वोल्ट मीटर्स आते हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया, वोल्ट मीटर का ही पैरेलल एमीटर होता है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं। जनरली किसी भी सर्किट में अगर आप वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, कहीं वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो उसके जस्ट सीरीज में आप लोग एमीटर भी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें करंट भी मेजर करना पड़ता है। मैक्सिमम जगहों पे करंट और वोल्टेज में रिलेशन निकालना है तो हमको मेजर करना ही होगा। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, एमीटर के लिए जब यूज करेंगे तो एमीटर का भी हमको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, तभी तो एमीटर से रीडिंग ले पाएंगे। तो एमीटर में फिर आप देखेंगे सिंपल सा वही प्रोसेस है लिस्ट काउंट निकालने का, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्केल है ये एमीटर में एम्पियर में कैलिब्रेटेड है। अब यहाँ पे फिर एक यूनिट की वैल्यू 0 से 2 एम्पियर है, यानी कि ऊपर की जो वैल्यू होगी वो 1 यूनिट की वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगी, और इसमें नंबर ऑफ डिविजन जो है वो 10 बने हुए हैं। 10 डिविजन्स
बने होने का मतलब यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं 10 डिवीजन बने हुए हैं, काउंट करेंगे तो काउंट हो जाएगा, 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो लिस्ट काउंट आ रहा है 2/10 कर देंगे 0.2 MPa। तो यहाँ से हम लोग 0.2 MPa मेजरमेंट कर सकते हैं इस वाले अमीटर से। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही अमीटर में दो स्केल्स दे दी जाती हैं, जैसे कि बगल मैंने मिली अमीटर ले रखा है, तो मिली अमीटर अलग भी आता है, अमीटर अलग भी आता है, मतलब दोनों भी डिवाइस दोनों अमीटर्स अलग अलग आते हैं सेपरेट। अगर आपको किसी एक का यूज करना तो कर सकते हैं। तो जैसे इसका मिली अमीटर का भी देख लेते हैं पहले लिस्ट काउंट। इसका भी लिस्ट काउंट अगर देखेंगे आप लोग तो 0 से 20 है मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर का मतलब क्या है कि इसके 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर दे रखी है। 20 मिली एम्पियर में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। जनरली मैंने 10 वाले मोस्टली प्रीफर किए हैं क्योंकि यह थोड़ा आराम होता है। आज में नंबर ऑफ डिवीजन कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग निकालेंगे, उसमें देख लेंगे आप कितना डिवीजन बना हुआ है, उस डिवीजन के हिसाब से आप बताएंगे उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। मैंने 10 रखा है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ता है समझाने के लिए। 20 मिली एम्पियर को 10 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, यानी कि आप मिनिमम 2 मिली एम्पियर मेजरमेंट कर सकते हैं इससे। जो मैं बता रहा था अभी कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही अमीटर में दो दो वैल्यू दे दी जाती है, जैसे कि ये नीचे हमने ले रखा है मिली एम्पियर, ऊपर एक और स्केल बना दी जाएगी जिसको एम्पियर में कैलिब्रेट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे एक और नाम दे दिया जाता है। जनरली कुछ में सब में अलग अलग प्रोसीजर होता है। क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक नाम अलग दे दिया, मान लिया कि ये हमारा एम्पियर के लिए दे दिया, ये हमारा मिली एम्पियर के लिए दे दिया, अगर हमको मेजरमेंट एम्पियर में करना होगा तो हम इस नाप का यूज़ करेंगे, अगर मिली एम्पियर में करना होगा तो इस नाप का यूज़ कर लेंगे, और अगर हम मिली एम्पियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो नीचे वाली स्केल से हम लोग रीड करेंगे, अगर एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो ऊपर वाली स्केल से रीड करेंगे। ऐसे भी एमीटर्स आपको देखने को मिलेंगे अपने लैब में जिसमें दो दो स्केल्स बनी होंगी। जो पहले मैनुअल वाले मल्टीमीटर्स आते थे उसमें भी ऐसा ही होता था कि बहुत सारी स्केल्स एक साथ बनी होती थी। तो ये एमीटर्स की पूरी डिस्क्रिप्शन था, एमीटर्स के बारे में था। एमीटर्स का लिस्ट काउंट आप लोग इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब खास बात आती है कि उसके बाद और भी किस डिवाइस का निकाला जाए, तो आपके सामने है वॉचेज। लैब्स में वॉच का भी यूज किया जाता है, जैसे सिंपल पेंडुलम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉनिकल पेंडुलम होता है, फ्लाई व्हील एक्सपेरिमेंट्स होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम का मेजरमेंट करना होता है। तो अगर कहीं पे हम लोग टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमको कुछ टाइम इंटरवल तक किसी चीज़ को हीट करना हो, या किसी टाइम इंटरवल तक किसी की रनिंग देखनी, कुछ भी देख सकते हैं। तो अगर टाइम का मेजरमेंट कहीं पे करना है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जनरली स्टॉप वॉच यूज़ किया जाता है। स्टॉप वॉच आपके फोन्स में भी होता है, स्टॉप वॉच जो आपके फोन्स में वो डिजिटल स्टॉप वॉच आ चुके हैं, लेकिन जो लाइव में जो होता है वो हमको मैनुअल मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि एनालॉग स्टॉप वॉच भी बोलते हैं इसको कुछ जगहों पर, एनालॉग वाले हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे पहली वॉच जो मैंने लिया, तो ये तो हैंड वॉच है, हैंड वॉच में आप लोग जानते होंगे कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो जनरली कई लोगों को नहीं पता होता कि हम जो हैंड वॉच लगा रखे हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, 12 से 5 के बीच में 5 सेकेंड्स होते हैं, और 5 सेकेंड्स कितने डिवीजन्स में डिवाइडेड हैं, 5 डिवीजन्स में, यानी कि इस हैंड वॉच का जो लिस्ट काउंट होगा ये 1 सेकेंड के बराबर होगा। हो सकता है कि ये 5 डिवीजन्स में डिवाइड ना होकर के 10 डिवीजन्स में डिवाइड हो, और हमारे जो ये सेकेंड वाले नीडल है इसमें 5 क्लिक्स ना लेकर के 10 क्लिक्स ले रहे हों, उस केस में हमारा ये जो वैल्यू है नीचे वाला ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 सेकेंड ना होकर के 0.5 सेकेंड का हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। जैसे आपको अगर बीच में हम 10 डिवीजन्स कर दें तो 5/10 हो जाएगा, किया जाएगा हमारा कितना 0.5 सेकेंड्स। अगर इसमें बीच में 10 डिवीजन्स कर दें, बीच में और मैंने डिवीजन्स बढ़ा दिए और 10 डिवीजन्स कर दिए, और हमारी जो सेकेंड वाली नीडल है इसमें 10 क्लिक्स ले रही है, तो इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट 0.5 सेकेंड हो जाएगा। अगर हम लोग इसके बगल में इसकी बात करें जो हम लोग जनरली लैब में देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 0 से 5 सेकेंड्स हैं, तो 5 सेकेंड होने का मतलब यहाँ पे जो 60 लिखा गया है ये 0 ही है। जैसे कि आप लोग देखते हैं वॉचेज में 12 के बाद 5 आता है, जनरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 के बाद 1 आता है, 5 सेकेंड 1 आता है, तो ये जो 12 है इसी को हम लोग 0 मान सकते हैं, 0 से 1 है ये, जनरली 0 से 1 को ही हम 1 यूनिट मान रहे हैं। यहाँ पे 12 से 1 ले लें, 1 से 2 ले लें, किसी भी दो फिक्स क्वांटिटी के बीच की क्वांटिटी को 1 यूनिट हम मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि कुछ भी हो, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 से 5 सेकेंड के बीच में यहाँ पर भी 10 डिवीजन्स बने हुए हैं, जो हमारा स्टॉप वॉच है, इसका क्या हो जाएगा 0.5 सेकेंड का लिस्ट काउंट हो गया। कई बार ऐसा भी होता है
बीच में डिविजन्स नहीं बने होते हैं, उसके बावजूद हमारी जो ये नीडिल है वो क्लिक्स ले रही होती है। जैसे कि कई स्टाफ पर आप ऐसा भी देखेंगे कि उसमें 1 सेकेंड्स में डिविजन नहीं बने होंगे, लेकिन जो हमारी सेकेंड वाली नीडिल होगी वो यहाँ से 1, 2, 3 टाइम्स मूव करके या 3 क्लिक्स लेकर के तब यहाँ पहुँचेगी 1 सेकेंड के बराबर। तो अगर 0 से 1 के बीच में हमारी कोई नीडिल 3 बार क्लिक ले रही है, मार्किंग हो तब भी, नहीं हो तब भी, क्योंकि हम 1 क्लिक के सेकेंड को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे ही 1 क्लिक हुआ मैं उसको बंद कर सकता हूँ, 1 क्लिक के बाद 2 क्लिक को भी मेजर कर सकते हैं। अगर मार्किंग नहीं है तब भी उसका लिस्ट काउंट हम लोग नंबर ऑफ क्लिक से निकालेंगे, कितनी बार वो क्लिक ले रही है, कितनी बार शिफ्ट हो रही है हमारी नीडिल। अगर ऐसा कहीं मिलता है कि 0.1 सेकेंड का ये इंटरवल है और 0.1 सेकेंड में 3 क्लिक्स ले रही है, जैसे कि मोस्टली मिलता है, 1/3 सेकेंड इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, जो आएगा 0.33 सेकेंड के बराबर। तो ये 0.33 सेकेंड इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा स्टॉप वॉच का। जनरली जो यूज होते हैं लैब में यही दो स्टॉप वॉच आती हैं, एक का 0.33 होता है, एक का 0.5 होता है। कुछ ऐसी भी आती हैं जिसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, कम या ज़्यादा या हो सकता है, वैल्यू वेरी कर सकती है। इसके आगे बढ़ेंगे तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि टेम्परेचर की भी बात की जा सकती है। तो कहीं पर भी अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना हो, और टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले थर्मामीटर की बात करेंगे। अब थर्मामीटर में ढेर सारे थर्मामीटर आते हैं, ढेर सारे का मतलब हर का लिस्ट काउंट अलग अलग होगा। हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, हम कितना टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग पहला वाला देख पा रहे होंगे, तो पहला वाला जो थर्मामीटर है यह हमारे 2 स्केल्स पर दिया गया है, एक फारेनहाइट स्केल है, एक डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, और दोनों का ही लिस्ट काउंट अलग अलग है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फारेनहाइट स्केल पे 0 से 20 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5 डिविजन्स बने हुए हैं, मतलब इसके 1 यूनिट की वैल्यू 20 फारेनहाइट के बराबर है, और इसमें डिविजन्स कितने बने हैं 5, यानी कि ये मिनिमम 4 फारेनहाइट को ही मेजर करेगा, 4 फारेनहाइट से कम कोई मेजर नहीं कर सकता। तो फारेनहाइट स्केल पे मिनिमम हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं 4 फारेनहाइट, इसका लिस्ट काउंट जो होगा कितना हो जाएगा 4 फारेनहाइट के बराबर। लेकिन अगर ये आप देखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे देखेंगे तो 0 से लेकर 10 के बीच में 5 डिविजन्स बने हुए हैं, यानी कि इसके 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें डिविजन्स कितने हैं 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का जो लिस्ट काउंट है ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी देख सकते हैं कि एक ही थर्मामीटर में 2 स्केल्स लाई कर रहे हैं और दोनों का लिस्ट काउंट अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिले, जैसे मैंने अभी अमीटर में बताया कि 2 स्केल्स हो सकती हैं, दोनों का लिस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है, नंबर ऑफ डिविजन्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि उसमें 2 स्केल्स एक साथ बनी हो। जैसे जनरल स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्केल में भी नीचे के साइड तो हम लोग सेंटीमीटर की बात करते हैं, लेकिन ऊपर क्या होता है, ऊपर भी इंचेज बने होते हैं, हम ऊपर से इंचेज में मेजरमेंट कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ यूज नहीं होता तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो ऐसा होगा कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल्स दी गई हो, जनरली ऐसा होता है। बगल में देख पा रहे होंगे इससे हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं मेजर कर पाएंगे, लेकिन इस वाले थर्मामीटर को देखेंगे आप तो देखिए कि 37 से 38 के बीच में, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेटेड है हमारा थर्मामीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि हम इससे 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर सकते हैं। यानी कि इस वाले थर्मामीटर का जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। अब हम लोग अगर कहीं पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से कोई खास इफेक्ट नहीं आता है तो हम लोग इस थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर चाहिए, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना हो कि थर्मामीटर से टेम्परेचर कितना है, या कहीं पर हमको 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक ऐसा थर्मामीटर होना चाहिए जिसका लिस्ट काउंट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो, अगर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारा थर्मामीटर था। थर्मामीटर के बाद हम अगर नेक्स्ट देखेंगे तो ये मैंने कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट रखे थे, अभी आपको दिखाता हूँ कुछ और इंस्ट्रूमेंट जो कि लाइव में यूज किए जाते हैं जनरली, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने मोबाइल का स्टॉप वॉच ओपन कर रखा है, मोबाइल का स्टॉप वॉच है तो इससे हम लोग कितना मेजर करेंगे। अभी मैंने दिखाया उधर की जो हम लोग टाइम मेजर कर रहे थे वो कुछ सेकंड्स में कर रहे थे, जैसे 0.33 मेरा मिनिमम सेकंड हो रहा था, 0.33 से कम हम मेजर नहीं कर पा रहे थे स्टॉप वॉच में। किसी का लिस्ट काउंट 0.5 था तो 0.5 मेजर कर रहे थे, किसी का लिस्ट काउंट 1 सेकेंड था तो 1 सेकेंड मेजर कर पाए थे मिनिमम। ये जो हमारा टाइम स्टॉप वॉच है मोबाइल का, आप लोग अपने मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं किसी के मोबाइल में, ये
मिनट्स को बताता है, ये सेकेंड होता है हमारा, और सेकेंड को आप देखेंगे तो ये 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है यहाँ से, यानी कि ये जो स्केल होती है 100 तक मूव करती है, 100 तक। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक सेकेंड जो है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 1/100 हम इस स्टॉप वॉच से 0.01 सेकेंड तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे 1 सेकेंड को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है, तो हम इस स्केल से इस स्टॉप वॉच से 0.01 सेकेंड का मेजरमेंट कर सकते हैं। जब हम लोग गेम्स के समय में स्टॉप वॉच यूज करते हैं तो वहाँ माइक्रो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स वाले स्टॉप वॉच भी यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग कुछ मिली सेकेंड्स कुछ माइक्रो सेकेंड्स की बात करते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड्स को भी मेजर कर पाएंगे। खैर हमारे रियल लाइफ में उतने कम सेकेंड्स का कोई खास महत्व नहीं रह जाता है, हम लोग जब किसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं या कहीं पे टाइम बहुत क्रिटिकल लिया जाता है तब जाकर के ऐसे मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे लैब्स में मोस्टली ऐसा होता है। तो हम लोग रियल लाइफ में अपने 1 सेकेंड तक या 0.5 सेकेंड तक मेजर कर लिए तो हमारा काम चल जाता है। कुछ जगहों पे कम होता है, जैसे कि मैंने गेम के बारे में बताया, माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड मेजर किया जाता है, लैब्स में यूज किया जाता है, ये चीज़ है। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो स्टॉप वॉच का मैंने बताया। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो ये जैसे कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर हमारे पास जितने भी पहले मैनुअल में होते थे या फिर एनालॉग टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको हम लोग अब रिप्लेस कर रहे हैं डिजिटल से। तो वहाँ पे हमको लिस्ट काउंट निकाल करके रीड करने में बहुत दिक्कत होती थी, कई बार टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, ये अभी भी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस अभी भी है कि अगर हम लोग लिस्ट काउंट निकालें और एक एक रीडिंग लें तो बहुत लंबा समय लग जाता है। यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, टाइम का शॉर्टेज होता है, तो हम लोग करते क्या है वहाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि लेटेस्ट आ चुके हैं हमारे पास। अब डिजिटल में अगर हमारे पास ये थर्मामीटर है तो हमको इसके लिस्ट काउंट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहें तो इसका भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट में 1 डिजिट को मेजर कर रहा है, तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 0.6 मेजर किया है, यानी कि इन दो थर्मामीटर्स का जो लिस्ट काउंट है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप बता सकते हैं कोई भी मेजरमेंट की गई है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसके मेजरमेंट को देख करके भी आप बता सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहीं पे मेजर किया 0.01 सेंटीमीटर, तो हम लोग इससे बता सकते हैं कि हमारा लिस्ट काउंट कितना रहा होगा, या कहीं पे लिखा हुआ है कि 0.25 सेंटीमीटर मेजर किया गया, तो 0.25 सेंटीमीटर मेजर करने का मतलब क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर रहा होगा, तभी हम यहाँ तक मेजर कर पा रहे हैं, अदरवाइज इस मेजरमेंट को इस इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा रहा है उसका लिस्ट काउंट उसी यूनिट में पहले तो लिखा जाता है जनरली, और उसको देख करके आप बता सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट किया गया है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है और उसका लिस्ट काउंट कितना है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही है डिजिटल में, लेकिन डिजिटल में मिलने के बावजूद हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम और आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये मैंने फिजिकल बैलेंस ले रखा है। फिजिकल बैलेंस जनरली केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में हाई स्कूल इंटरमीडिएट या बीसी लेवल्स में यूज किए जाते हैं। फिजिकल बैलेंस में आप लोग देख पा रहे होंगे चूंकि इसमें बहुत कम मेजरमेंट करना होता है और मेजरमेंट के दौरान इस पर हवा का भी इफेक्ट आता है, अगर थोड़ा सा हवा चल रहा हो या लैब में फैन भी चल रहे हो तो इस पर हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत ही रस आती है। इसलिए होता क्या है कि इसको हम लोग एक ग्लास चैम्बर में बंद कर लेते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसको एक ग्लास चैम्बर में बंद कर लिया गया है। अब ग्लास चैम्बर में बंद कर लेने का फायदा यह होता है कि इस पर एयर नहीं लगता, यानी कि एयर ना होगा नहीं होगा तो हम लोग इसको आराम से यूज कर पाएंगे। ठीक, इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आप देखेंगे इसी फिजिकल बैलेंस को जिसका इससे मिनिमम हम लोग 1 ग्राम तक मेजर करते हैं, इसका जनरली आपको बता दें कि इसमें हम 1 ग्राम से कम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसी फिजिकल बैलेंस को बाद में रिप्लेस कर दिया गया डिजिटल फिजिकल बैलेंस से, जो कि ये है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ग्लास चैम्बर है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को रखा जा रहा है। ग्लास चैम्बर को इसलिए रखा जाता है कि इसके ऊपर हवा का भी इफेक्ट आता है। अब अगर कहीं पे फैन चल रहा है उसके नीचे इस इंस्ट्रूमेंट को ओपन करके रख दिया जाए तो भी कुछ ना कुछ इस पर वेट बता देगा, क्योंकि हवा से कुछ प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर के कारण कुछ ना कुछ ये वेट वो कर देगा। अब इसमें देखिए इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.0000 ग्राम्स लिख रखा है। 0.000 ग्राम्स लिखने का मतलब क्या है कि इसमें मिनिमम हम लोग कितना मेजर कर पाएंगे, यहाँ पे मिनिमम हम लोग 0.001 ग्राम्स तक मेजर कर सकते हैं, 4 डिजिट तक।
यानी कि सोच सकते हैं कि कितनी छोटी वैल्यू है कि 0.0001 ग्राम हम यहाँ मेजर कर पा रहे हैं जो कि हमारा डिजिटल है। अगर ये डिजिटल ना होता तो शायद हम इससे कम मेजर करते या शायद इससे ज़्यादा ही मेजर करेंगे, इससे कम नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये मिनिमम वैल्यू की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस फिजिकल बैलेंस से हम लोग इतना मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट और भी शामिल किया हुआ है जो कि जनरली आप इलेक्ट्रिशियंस के पास देखेंगे। ये मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। अब इस डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है कि हम लोग किसी भी, जैसे कि मैंने अभी वोल्ट मीटर अलग दिखाया, अमीटर अलग दिखाया, तो हम लोग अगर लैब में ये सब यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा एक सेटअप बन जाता है। वोल्ट मीटर अलग, अमीटर अलग, रेजिस्टेंस यूज को चेक करने के लिए कोई और डिवाइस, अल्टरनेटिंग करंट को चेक करने के लिए अलग वोल्ट मीटर। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिफिक, कह सकते हैं एक तरह से कि ये साइंटिफिक मल्टीमीटर भी बोला जाता है, और डिजिटल तो है ही। इसका लिस्ट काउंट ये ऑटो एडजस्टेबल होता है, आप जिस भी वैल्यू को चेक करना चाहेंगे तो ये खुद ही एडजस्ट करके बता देगा कि ये वैल्यू मिली वोल्ट में है, वोल्ट में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो ये मेजरमेंट दे रहा है ये वोल्ट में दे रहा है। अगर ये मिली वोल्ट में होगा तो ये तुरंत इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, मिली एम्पियर मिलेगा तो मिली एम्पियर में कर देगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दे रखा है, नीचे कुछ नाप्स दे रखे हैं, इसे कॉमन दे रखा है, तो कॉमन में हम लोग कॉमन वायर लगा देते हैं, उसके बाद जैसा मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे लगा करके मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है मैक्सिमम कंपोनेंट्स का यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कहीं हाई करंट मेजर करना हो, जैसे कि यहाँ दे रखा है मैक्सिमम 10 एम्पीयर, अगर हाई करंट का मेजरमेंट करना हो तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमको इस नाप का यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटीज के साथ दे रखा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिख रखा है वोल्ट, ये एसी वोल्ट को दिखा रखा है, यहाँ पे डीसी वोल्ट को दिखा रखा है, यहाँ ओम्स लिख रखे हैं, मतलब यहाँ से आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ और बना रखा है कैपेसिटर, तो यहाँ से आप कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं किसी भी वेव का। यहाँ पे आप देखेंगे करंट को अलग अलग मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर दे रखा है, यानी कि माइक्रो एम्पियर के आर्डर करंट यहाँ से आप मेजर करेंगे, यहाँ मिली एमीटर दे रखा है यानी कि मिली एम्पियर करंट को यहाँ से आर्डर मेजर करेंगे, यहाँ पे एम्पियर के आर्डर की करंट को मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी भी होता है जो नहीं दिया रहता है, कहीं पे जैसे बी पर लगा देता है, उसमें हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या फिर इस मल्टीमीटर का यूज़ करके, जनरली मल्टीमीटर का यूज़ करके बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मेजर कर सकते हैं, तो हमको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे, अभी यहाँ तक तो मैं कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स को यूज़ किया था, जब हम अगले वीडियो की बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे स्केल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा स्केल्स होंगी। जैसे कि कई बार मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल लगा दिया जाता है, अगर मेन स्केल से काम नहीं चल रहा है तो उसके नीचे एक वर्नियर स्केल लगा दिया गया। तो ऐसे स्केल्स के लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे जिसमें एक से अधिक स्केल दी गई हो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर किसी को किसी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है, बता सकता है। किसी को कोई सजेशन देना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पर पूछ सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।